मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। वैशाली जिले के हाजीपुर समाहरणालय में एक अकाउंटेंट बाबू प्रमोद कुमार को शायद सरकार से मिल रही वेतन से पेट नहीं भर रहा था, जो भवन निर्माण के कंट्रेक्टर से 2.5 लाख रुपये कमीशन की डिमांड कर दी। वो भी भवन कहाँ बनना था, तेजस्वी यादव के क्षेत्र राघोपुर में। कॉन्ट्रेक्टर ने थोड़ी सी अकल दौड़ाई, थोड़ा सूझबूझ से काम लिया और निगरानी विभाग को खबर कर दिया। फिर क्या, निगरानी विभाग भी चीफ अकाउंटेंट प्रमोद कुमार के पीछे लग गया और 2.5 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगो हाथे पकड़ लिया। आपको बता दें कि हाजीपुर समाहरणालय ही नहीं पूरे वैशाली जिले में हड़कंप मचा हुआ है। भवन निर्माण विभाग के लेखा पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बिल पास करने के लिए कमीशन मांगा था, लेकिन कॉन्ट्रेक्टर निकला चालाक और निगरानी विभाग को प्रमोद कुमार पर घूसखोरी का आरोप लगाते हुए आवेदन दे दिया। फिलहाल प्रमोद कुमार पुलिस की गिरफ्त में है और पूछताछ जारी है। अब बारी है कानून की, जो लेखा पदाधिकारी का लेखा जोखा निकालेगी। उन्हीं से जो है 2.5 लाख रुपया की मांग की गई थी बिजुपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के बिल पास के एवज में। 1 लाख रुपया पूर्व में दिए थे और 2.5 लाख रुपया रह गया था, तो वही 2.5 लाख रुपया लेते हुए पकड़े गए। पटना निगरानी अनुसंधान ब्यूरो के आवास में, कार्यालय बगल में कार्यालय। क्या सुन रहा हूँ सर, जैसा मामला कहता हूँ। थैंक यू सर।